अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ किरण। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और सब अपने घरों में फिट फाट और खुशबाश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं और आज ज़रा बाहर निकले हैं, कोई घर के सामान लेना था, ग्रॉसरी लेनी थी, जूस वगैरह लेना था, कुछ ऐसे भी ग्रॉसरी लेनी थी, तो मैंने सोचा चलती हैं देखते हैं क्या होता है आज। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आई हूँ गोश्त वाले की दुकान पर। हमारे घर से काफ़ी दूर है, इनका गोश्त ज़रा अच्छा होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, बीफ है। और आज मेरा इरादा हो रहा था कि मैं जो हूँ शलजम गोश्त बनाऊँगी और पत्तों के साथ। तो शलजम गोश्त जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं गोश्त पहले पका कर फिर शलजम और उसके पत्ते और एक गड्डी पालक और थोड़ी सी मेथी डालकर बनाती हूँ। तो हर कोई अपना अलग अलग तरीके से बनाता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। अपने एक टीस्पून या टेबल स्पून आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है उसका। और सर्दियों के यानी कि सर्दियों के खाने हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों का आज दिल चाहता है, कुछ मुझे लेना था एक्स्ट्रा भी, कीमा भी लेना था, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है, जो कि बिरयानी वगैरह में जो गोश्त यूज़ होता है वही वाला लिया है, हड्डी वाला आधा किलो। फिर ये कीमा बनवा रही थी मैं, कुछ बाद में कीमा बना लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और बहुत सारी बिल्लियाँ बैठी हुई थी और तूबा ने उन बिल्लियों की भी वीडियो ली है। बच्चों की चूँकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं इनके, और ये लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं आजकल घर में। तो अपने तो साथ साथ मैं मुझसे कह रहे थे कि ना हम भी चलेंगे। वैसे नॉर्मली ये अकरम से ही मंगवाती हूँ मैं सारा सौदा, लेकिन आज बच्चों के साथ नीचे आई थी तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं सौदा लेके आ जाते हैं। और इनका मूड हो रहा था कुछ अच्छी चीज़ें खाने का, यानी कि इस तरीके की जो सर्दियों के खाने हैं, तो फिर मुझे सही लगा। मैंने कहा चलो तुम लोग भी चलो मेरे साथ और हम लोग इन्जॉय करेंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, ठंड हल्की है, लेकिन ये कि पूरे बादल आए हुए थे, यकीनन अब बारिश ही होगी और फिर ठंड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमने गोश्त लेने के बाद, फिर सब्ज़ी वाले की दुकान बराबर में ही थी वहाँ से हमने सब्ज़ी भी ले ली थी। और सब्ज़ी जो है माशाल्लाह से सारी हरी भरी सी थी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये बराबर में शॉप है, इस पर अब हम जाएंगे और यहाँ से सब्ज़ी लेंगे, तो फिर वो सब्ज़ी भी मैंने के अच्छी ही होगी इंशाल्लाह बनाने में। वैसे घी के ज़रा इस तरह का था कि टेस्ट उसका बहुत ज़बरदस्त था और मज़े की थी सब्ज़ी। यहाँ पर ये सारे इसके ऑर्गन्स रखे हुए बीफ के, तो ये बच्चे वैसे अब ये हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे, तो बस सारी इसकी उसकी शॉप की बुचर शॉप की पूरी वीडियो ले रही थी, पैसे वगैरह दे रही थी। और अभी बस यानी कि यहाँ से फारिग होने के बाद घर की तरफ रवाना दवा होंगे, थोड़ा सा यानी कि शॉपिंग रह गई, ग्रीन ग्रॉसरी रह गई है, और उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना दवा होंगे, रास्ता उधर ही है। और ये मैं अपने घर के नीचे से नहीं आई हूँ, थोड़ा सा आगे से आई हूँ, क्योंकि हमारे घर के नीचे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो मुझे यहाँ पर बेहतर लगता है अब्दुल्ला सेंटर की तरफ से लेना। तो ये देखिए कितनी हरी भरी सब्जियां माशाल्लाह से हैं, और ये सारी सब्जियां सर्दियों की सब्जियां आई हुई हैं। और करेला भी लेने का दिल चाह रहा था, लेकिन ये कि बच्चों ने लेने नहीं दिया। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है करेला, सरसों का साग था और वो थी चौलाई और इस तरह की सारी जो सब्जियाँ सर्दियों की हैं वो आई हुई थी। कॉर्न भी आए हुए थे, भुट्टा जिसे मकई भी कहते हैं लोग और छल्ली भी कहते हैं पंजाब में। तो यहाँ पर मैं निकलवा रही थी ये शलजम पत्तों वाली, और लेना मैंने ये आधा किलो ली थी शलजम पत्तों के साथ, और तकरीबन आधा किलो ही मैंने पालक ले लिए थे और मेथी ले ली थी। और ये माशाल्लाह से इतने हरे भरे लग रहे हैं, थोड़े से कुछ कुछ यहाँ पर जाहिर है आते आते टाइम भी लगता है, लेकिन ये कि अभी ये फ्रेशली ये सब्ज़ी मंडी से लाई गई हैं, जब इतनी फ्रेश हो रही हैं। और भिंडी वगैरह तो ये तो पूरे सारी तकरीबन मिल रही होती हैं, लेकिन ये कि कुछ सब्ज़ियाँ सर्दियों की जो होती हैं वो बस सर्दियों में ही नज़र आती हैं, जैसे गाजरें हैं और गाजर का हलवा बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था, मेरा इरादा भी है बनाने का, लेकिन बस यही कि थोड़ी मसरूफियत थी इस वजह से नहीं बना पाई थी। लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ऐसे ही सारा वेट वगैरह करवा रही थी। और वैसे तो खैर बंद गोभी भी अच्छी होती है, फूल गोभी सॉरी, ये भी अच्छी होती है, लेकिन ये कि थोड़ा बाद ही होता है। और जो है ना मेरा पहले ही वेट काफ़ी ओवर वेट हुई हूँ मैं आजकल, वाटर रिटेंशन की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है,
और फिर मुश्किल हो जाती है, फिर वही वेट ज़्यादा होने की वजह से उसके मसाइल रहते हैं। बच्चे वैसे सब्ज़ियाँ शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन लाल और सुबह पालक बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अभी भी जो इन्होंने जब मैंने ये बनाया था तो इन्होंने सारे शलजम जो थे वो निकाल दिए थे। अब नेक्स्ट मैंने सोचा है कि मैं इनको ना बिल्कुल ही छोटे छोटे करके मिक्स कर दिया करूँगी बिल्कुल, ताकि इनके इसकी भी एनर्जी मिले, क्योंकि भारत हर सब्ज़ी के अलग बेनिफिट्स हैं। और ये अरवी भी मौजूद थी यहाँ पर, लेकिन मैंने नहीं ली अरवी। आलू बिल्कुल नया आलू आया हुआ है, ये जो है ये भी बैंगन है, और ये एग ब्रिंजल्स हैं, यानी कि बिल्कुल अंडे की तरह लगते हैं, वाइट है होते हैं। और ये खैर अब थोड़े फ्रेश नहीं थे। आज मेरा यही इरादा हो रहा है कि मैं जो है ना मैं ये बनाऊंगी, आज मेरा यही मूड है कि मैं जो है आलू और आलू बैंगन बनाऊंगी, ये वाले वाइट वाले। और मैंने कुछ मिक्स ले लिए थे, थोड़े से पर्पल भी लिए थे और थोड़े वाइट ले लिए थे। अंबरजाइन भी कहते हैं इनको और ब्रिंजल भी कहते हैं। तो ये वाले मैंने एग लिए थे और उसके साथ मैंने पर्पल भी ले लिया था। हम लोग थोड़ा आगे आ गए थे, आगे से हम लोग जो है चावल वगैरह के, यानी कि ये जो ऐसी शॉप है उस पर आ गए थे। और जो है यहाँ से कुछ सामान लिया था, कुछ दालें वगैरह मालूम कर रही थी, तो इन्होंने चावल घर में ख़त्म हो गए थे। तो ट्राई करने के लिए मैंने पहले हाफ़ के जी लिए थे कि पहले देखूँ मैं कैसे हैं, लेकिन बहुत ही ख़राब चावल थे, मुझे नहीं लेने हैं आइंदा, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, मैं अम्मी की तरफ से मंगवाती हूँ, वहीं से मंगवाऊँगी अब दोबारा। और ये इस मौसम के फ्लावर्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे से, गेंदे की फैमिली से ताल्लुक है। गेंदे यानी गेंदा जो है ना, येलो गेंदा जो होता है उसी के उससे फैमिली से इनका ताल्लुक है। जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा उसका, इसलिए मैंने आपको बताया। ये हमारी एंट्रेंस है हमारे फ्लैट की, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अदल कुर्सी तो मैंने तो बस ये कहा था कि ये ले लो, बेशक अल्लाह ताला की हिफाजत लाजमी चाहिए होती है। आयतुल कुर्सी नहीं बल्कि कलमा लिखा है, थोड़ा सा वो लिखे हुए हैं आयतुल कुर्सी के भी आयत हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं थी। और ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हैं ये फ्लावर्स, और बेशक इनका बनाने वाला रब भी बड़ा प्यारा है, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अब बिलाल साहब यहाँ पर हम लोग टहलते टहलते घूमते हैं, बहुत मौसम को इंजॉय करते हैं, घर की तरफ रवा दवा है। और यहाँ पे बिल्ली, एक छोटे से बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, उसे सर्दी लग रही थी तो इसकी तो मैंने कैप्चर कर लिया था, बड़ा प्यारा सा था, क्यूट सा, भाग गया था, लेकिन दिल चाह रहा था पकड़ लूँ। मुझे खुद भी बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में इनकी मम्मा आगे बैठी हुई थी गाड़ी के साथ नीचे, लेकिन तूबा को वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चे को अपने छोड़ के बैठी हुई थी। और इनके बाबा भी और तूबा के यहाँ पर मौजूद हैं। तो यही हम लोगों का आज का व्लॉग था, और हम लोगों की बाहर की आउटिंग थी, बच्चों के साथ गई थी मैं, छुट्टियां थी, थोड़ा मैं इन लोगों को भी चाहती हूँ, इन लोगों को आए तो कैसा लगती है आपको वीडियोस वगैरह, ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके। और हमारे साथ इसी तरह बने रहें, जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में इसी तरीके से, यहाँ पर भी बिल्लियाँ आप हमारे साथ हैं मौजूद, और फिर इंशाल्लाह एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी बिल्लियों के ऊपर भी, लाल तो बहुत प्यार करते हैं। तो मिलूंगी इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।